वालेकुम कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे शुक्र अल्लाह का मैं भी खैरियत से हूँ और जी नया दिन है नया ब्लॉग है आप सब लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी है चाय मैंने अपनी बना ली थी साथ पहले किचन नीट कर लिया था आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि थोड़ा फ़र्क लेट उठे थे तो फिर उसके बाद सोने का कोई गुंजाइश नहीं रहती थी टाइम हो गए थे 11 तो फिर मैंने कहा मैं नहीं सोती तो यहाँ पे जी मैंने अपना नाश्ता बना के ले आई थी अंदर और साथ टीवी देख रही थी बाजी अपनी सफाइयों पे लगी हुई है और थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ कि थोड़ा सफाई का जो बोझ है वो थोड़ा मुझसे कम हो गया है और यहाँ पे जी मेरी सारी सफाई वन टू ऑल हो चुकी थी और Uh, मतलब कि नमाज भी मैंने जोहर की पढ़ ली थी और मैंने अब कहा कि खाना बना लूँ और कितने दिन से मेरा रेगुलर खाना बन रहा है वो इसी वजह से कि मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ जो उसी दिन फिनिश हो जाता है दूसरे दिन के लिए नहीं बचता तो इसलिए रोज़ ताज़ा बन जाता है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन और मॉर्निंग तो मैंने आपको दिखा दी है मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा सा मेरा काम ये होता है कि मैंने कुकिंग करनी होती है तो, तो की सफाई करनी होती है और वो ही बात के जो कि अब नमाज के टाइम भी थोड़े शॉर्ट हो गए हैं तो नमाज के टाइमिंग भी अब फटाफट हो जाते हैं तो बिजी हो जाती है इवनिंग और यहाँ पे जी मैंने बोनलेस चिकन निकाला उसमें से थोड़ी सी बोटियाँ मैंने निकाली उसको मैंने वैसे ही चॉप कर लिया छोटा छोटा और मैं बनाऊँगी आज आलू और फलियाँ और मैंने कहा के साथ बीच में थोड़ा सा चिकन डाल देती हूँ तो फलियाँ मैं उस दिन लेकर आई थी मैंने फ्रीज कर ली थी बना के तो फलियाँ आपको पता है इतनी आजकल आज इतनी अच्छी और फ्रेश अभी तक नहीं आई है तो वो थोड़ी सी निकली थी तो मैंने उसी में एक दो तो आलू डाल लिए तो मैंने कहा फलियाँ आलू और साथ कीमा जैसे बनता है वैसे बना लूँगी तो इसलिए मैंने फिर बना लिया मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ एक तो आ, मतलब के चने भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा चिकन और चने बना लेती हूँ फिर मैं इस पर आ गई कि मैंने कहा चले ये बना लेती हूँ तो ये मेरा सालन बहुत लजीज बन चुका था और उसके बाद ये था कि असर की नमाज मैंने पढ़ ली थी फ़र्क आ चुके थे रोटी मैंने बना के रख ली थी भूख भी मुझे बहुत सख्त लगी थी कहा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर टाइम थोड़ा रह जाएगा तो साथ ही हमने तोता तो का काम भी स्टार्ट किया हुआ था इनकी सारी सफाई हमने करनी होती है ये देखें कि इनकी चीज़ें हमने निकालनी है फ़र्क दाना डाल दाने वाले बर्तन साफ़ करते हैं और मैं पानी वाले बर्तन साफ़ करती हूँ हमने डिवाइड किया हुआ है पानी वाले बर्तन निकाल के उसको वॉश करना मेरा काम है और दाने वाला दाना साफ करके उसमें नया दाना लगाना उनको कोई फ्रूट्स आट काट के देना ये फ़र्क का काम है मेरा बस इतना काम है कि जो पानी वाले बर्तन है मैं उनको अच्छी तरह धो के और फ्रेश करके तो ताज़ा पानी हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही मैंने जब पानी का अपना प्रेशर चेक किया तो पानी का प्रेशर थोड़ा कम था आज मैंने बोरिंग नहीं लगाई और मैंने कहा कि अब बोरिंग लगा लेती हूं और सुबह जुम्मा है यानी कि ये जो मैं रात का ब्लॉग है और आज तो जुम्मे जिस दिन मैं वॉइस ओवर करी थोड़ा लेट हो गई थी तो मैंने कहा कि पानी भर लेती हूं कि ताकि सुबह मसला ना हो जुमे वाले दिन आपको पता है पानी वाले काम ज़्यादा होते हैं हर एक को ये होता है कि फ्रेश होना है जुमे की नमाज पढ़नी है तो मैंने कहा बोरिंग लगा देती तो हूँ अभी थोड़ी रोशनी है तो अभी अंधेरा हो जाएगा फिर मसला होता है तो हमारा जो बायर का सिस्टम इस तरह है ना कि बोरिंग हम दो घरों में इस्तेमाल होती है सात भाई का घर है तो उनकी और हमारी बोरिंग इकट्ठी है इसलिए वॉल हमें सेट करने पड़ते हैं और वो ज़्यादातर सुबह को लगाती हैं और मैं ज़्यादातर दोपहर को लगाती हूँ और जब भी लगा लेती हूँ लेकिन ये होता है कि बोरिंग का पानी मैंने बाहर लूँ ताकि सुबह इतना मसला ना हो और यहाँ पे जी फ़र्क लगे हुए थे बाहर ये दाना वगैरह साफ कर रहे थे मैंने पानी वगैरह साफ कर लिया था मैंने अपने जो मेरे हिस्से का काम था वो मैंने कर लिया और साथ मैंने ये कहा कि चाय बना लेती हूँ और ये चाय जो है मैंने मगरब के बाद बनाई थी क्योंकि आजान हो गई थी तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई और दूध हो गया था फिनिश और आज मैं बनाऊँगी सूखे दूध की चाय और वो लेफ़्ट ओवर मैंने रखा होता है इसी तरह जरूरत पड़ जाती है और से जाते जाते मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और जो नए आ रहे हैं उन सबका शुक्रिया आपसे इनशाला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल हाफ और ये होता है लेफ्ट ओवर चीज़ें पढ़ना है। वो यूज़ हो जाती है ये मैं एक पाव का लेकर आई थी पिछली दफ़ा मैंने कहा कभी ये होता है कि दूध फिनिश हो जाता है और रात को हम स्पेशल गए थे कि दूध लेने ऐसे ही इधर उधर फिर फर के हम आ आके हैं चखे शखे मार के लेकिन दूध का बिल्कुल जेन से निकल गया तो मुझे फिर याद आया कि फ़र्क दूध तो रह गया फिर कहते हैं कि वो पड़ा हुआ है एवरी डे तो मैंने कहा जी पड़ा हुआ है तो बस कहते हैं वो इस्तेमाल करो तो आप सबका बहुत शुक्रिया अल्लाह